everyone, this is Sahil Kumar, and today we have Shubha Joshi on the channel, who is one of the only three AICI certified image consultant, which is a very big title to hold. She also has a YouTube channel where she talks about menswear. She also talks about communication skills, etiquettes, and aap kaise apna confidence bada sakte ho. Everything related to style, behavior and confidence. Yes. So, abhi humne recently ek video khatam kar chuke, which was about college dressing tips for men in their 20s. In case you have not watched it yet, hum jo is video ka part 1 hai, wo aap is index card se zarur dekh sakte hain. Main us video ka link niche description mein bhi dal dunga, so make sure you check it out. Thank you, Sahil. Thank you for having me on your show. It's an honor to have you. And you have this amazing channel, and I am so happy to be here to answer all these questions. And we have received these questions. A lot of questions from our followers. अब सबके तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो रिलेटेबल हैं और रेलेवेंट हैं, जितने भी पॉसिबल होगा सबके आंसर्स करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम Q&A की तरफ चलते हैं. अब फर्स्ट क्वेश्चन इज टिप्स फॉर बीइंग फ्रेश ऑलवेज. इसके लिए मैं मतलब आई वुड सजेस्ट यू टू आंसर, क्योंकि लड़कों को इम्प्रेस लड़के ही करनी होती है. एंड वर्ड्स बेटर देन listening to it from a girl. Okay. Tips for being fresh. So tips for being fresh, I think number one tip is to take a bath. नहाना बहुत ज़रूरी है. अगर आप नहाएंगे नहीं तो फिर आप fresh कैसे feel करेंगे और कैसे लगेंगे fresh? और मतलब I would like to add कि ज़रूरी नहीं है आप हर दिन नहाओ, लेकिन अगर आप if you are someone जो बहुत ज़्यादा पसीना, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या फिर जिसके पसीने से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो आपको तो डेली नहाना चाहिए. आई एम नॉट वन ऑफ देम, तो मेरा चलता है, मैं एक दिन स्किप भी कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम. ओके, बट आई फील हाइजीनिक उससे तो मतलब अगर वो इंसान कर रहा है अब तो समझ आ गई, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट साहिल इज सेइंग. इसकी विंटर्स में थोड़ा सा आप रिलैक्स रह सकते हैं, विच इज़ फाइन, बट फ्रेश लगने के लिए ऑफकोर्स आपको तो सबसे पहले भाई नहाना ही पड़ेगा. एंड सेकेंड चीज़, आप परफ्यूम्स और कलोन्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप स्मेल फ्रेश करें. एनी पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस यू लाइक टू टॉक अबाउट फॉर समर्स? आई थिंक एक्वा बेस्ड अगर होंगे तो अच्छे होंगे. नॉटिका का आप कर सकते हैं, उसका लिंक आप दे सकते हैं. नॉटिका का आई हैव नेवर ट्राइड इट, बट यस मैंने काफ़ी सुना है नॉटिका के बारे में. ऑल्सो देयर इज अ परफ्यूम कॉल्ड क्रोम अजारो, मैंने उसका भी मतलब काफ़ी सुना है. इट इज़ गुड फॉर समर. इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि फ्रेग्रेंस तो आप यूज़ ही कर सकते हो. मेक श्योर यू अप्लाई डिओड्रेंट 3 से 4 बार दिन में. जब भी आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या फिर यू आर स्मेलिंग बैड, मेक श्योर यू अप्लाई अ डिओड्रेंट. सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ हाउ टू मोटिवेट माई सेल्फ. आई हैव डार्क स्किन. Seriously? Okay, so I would like to ask you कि आपको motivate होने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि right, क्योंकि जैसा भी आपका skin tone है वो भगवान ने आपको दिया है, right? और otherwise भी अगर मैं एक woman के perspective से बताऊँ तो woman नहीं, like women don't judge you on your skin tone, they mostly judge you on your behavior. अगर आपका behavior अच्छा है, अगर आप अच्छे से बात कर रहे हैं, अगर आप तमीज़दार हैं, if you are following etiquette and you are kind to people, तो आपको उस पर ज़्यादा जज किया जाएगा rather than आपके skin tone पे. तो वो तो you don't have to be apologetic. करेक्ट. और दूसरा ये कि आप अपने स्टाइल पे वर्क कर सकते हैं, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो. राइट, डार्क एंड हैंडसम, लाइक अदरवाइज भी डार्क इज कंसिडर्ड हैंडसम, सो यू डोंट हैव टू थिंक इट देयर. सी, ये सारी चीज़ें थी पर्सनैलिटी की जो आपको एज अ पर्सन अपने अंदर काम करना चाहिए. अगर यू फील लो दैट यू आर नॉट लुकिंग अट्रैक्टिव एज अ डार्क पर्सन, तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर आप काम कर सकते हो. लाइक यू शुड हैव अ ग्रेट फिजीक. आई एम नॉट सेइंग कि आपके 6-pack abs होने चाहिए, लेकिन टोन भी नहीं रख सकते यार, वो ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं लगता. सेकेंड थिंग इज यू शुड नो कि आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, जिसके लिए शुभा हैज सम ग्रेट नॉलेज कि आपको कैसे कलर्स पहनने चाहिए, आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, प्लस कौन से कलर आपके स्किन पर सबसे ज़्यादा सूट करेंगे. अगर आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है, आप इन सारी फैक्टर्स पे काम करते हो, देन आई गेस डार्क कॉम्प्लेक्शन
isn't even a thing to consider. Correct. अगर आपको stylish लग रहे हैं. Absolutely. आप बहुत ही handsome लगेंगे अगर आप अपने style पे ध्यान दें, अगर आपको जो colors पहनने हैं आप उस पे ध्यान दें. तो even अगर एक बहुत गोरा बंदा है उसे कुछ नहीं आता, he is going to look shit. चाहे वो कुछ भी कर ले पर. Right. तो आपको अपने स्टाइल पे ध्यान देने की जरूरत है. आप अपने कम्प्लेक्शन को बिल्कुल भी, आपको अनअपोलोजेटिक होके अपने स्टाइल पे ध्यान देना है. दैट्स इट. एंड ट्रस्ट मी, वुमेन आर गोइंग टू लाइक यू इफ यू वर्क ऑन योर स्टाइल. यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर कॉम्प्लेक्शन. यू शुड नॉट बी इनसिक्योर. राइट. Let's move on. That's the biggest step. Absolutely. Sorry. Let's move on to the next one. Okay, let's move on to the next one. How to increase the life of your sneakers and leather shoes. Okay, see, ये दोनों चीज़ें बहुत different है. एक sneaker है, एक leather shoes है, तो दोनों की care बहुत अलग तरीके से होती है. सबसे पहले हम बात करते हैं sneakers की. तो अभी हमने शायद part one में discuss किया था कि आपको occasion के हिसाब से जूते पहनने चाहिए. मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि जिम में अपने sneakers पहनते हैं जो कि physical activities के लिए बने ही नहीं. तो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखो कि स्नीकर्स आप बिल्कुल सही जगह पर पहन रहे हो, जहाँ के लिए वो बने हैं. फॉर योर कैजुअल रैंप्स या फिर योर गोइंग आउट फॉर सम कैजुअल आउटिंग, दैट्स इट. उसके अलावा आपको अपने, अगर आप एक वाइट स्नीकर पहनते हो तो उसको आपको बहुत ही मेनटेन करके रखना पड़ेगा क्योंकि तभी वो अच्छा लगेगा. ऑल्सो मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपके पास एक पेयर है सिर्फ, तो प्लीज़ उनको दो करो क्योंकि आपको एक जूते को थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है टू लेट इट ब्रीथ, या ताकि वो थोड़ा सा जो भी उसके अंदर मॉइस्चर होती है वो साफ हो जाए, या फिर जितना भी अंदर है हल्का सा वो ड्राई हो जाए. स्नीकर्स का ये था पार्ट कि आपको स्नीकर्स की केयर कैसे करनी है. मूविंग ऑन टू लेदर शूज़, तो उसके लिए आई गेस बहुत से प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, लाइक लेदर कंडीशनर वी हैव, पॉलिश वी हैव, शू क्रीम इट इज, शू क्रीम न्यूट्रल, वो आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि लेदर क्या है, इट्स बेसिकली अ एनिमल स्किन जो कि एक एनिमल से हट चुकी है, तो एक तरह से आपको उसको एक स्किन की तरह ही ट्रीट करना है. करेक्ट. तो उसको अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे, लाइक अगर आप अपनी स्किन की केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ड्राई हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी. तो उस तरीके से आप अगर अपने लेदर शूज़ पे कंडीशनर नहीं लगाएंगे या क्रीम नहीं लगाएंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे, डस्ट लगी हुई है तो उसको साफ़ नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा. राइट. अगर कभी कभी ऐसा होता है लेदर शूज़ भीग जाते हैं, धूप में रख देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, सो एकदम ड्राई होके वो लेदर ख़राब हो जाएगा. धूप में तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए. करेक्ट करेक्ट. सो उससे बेटर ये है कि आप उसको उसमें कंडीशनिंग करो, उसकी केयर करो, जस्ट एज यू वुड केयर योर ऑल स्किन. यूवी रेस से बचाओ, मॉइस्चराइज करो, ये सब लेदर के साथ करना है. आपका लेदर शू बहुत लंबा चलेगा उससे. मेरे पास कुछ ऐसे जूते हैं जो कि मैं शायद 3-3 साल से पहन रहा हूँ. I agree. Yeah. Simple. Moving on to the next one. Moving on to the next which one. Which is? Laptop बंद क्यों हो जाता है बार-बार? Okay. It is grey T-shirt or grey shirt. इसमें से एक एक चीज़ को पॉइंट आउट शॉर्टलिस्ट करना इज हार्ड क्योंकि दोनों चीज़ें अलग है. एक कैजुअल चीज़ है, एक फॉर्मल चीज़ है. एंड आई थिंक ग्रे इज अ कलर जो कि टी शर्ट और शर्ट दोनों में ही आप रख सकते हैं. हाँ, दोनों चीज़ें ले सकते हो. लेकिन हाँ, अगर आपको एक चीज़ लेनी है इनमें से कोई, तो इट डिपेंड्स ऑन योर वार्डरोब कि आपके पास कौन से ज़्यादातर कपड़े, आपके पास कैजुअल है या फिर आपके पास फॉर्मल है. इफ यू आर समवन जो कि बहुत कैजुअल कपड़े पहनते हैं, गो फॉर ग्रे टी शर्ट, अदरवाइज गो फॉर फॉर्मल शर्ट. एंड इफ यू स्टिल हैव टू चूज, आई वुड से यू कैन गो विद द टी शर्ट या क्योंकि शर्ट में आप अपने पास, अगर आप बहुत कम शर्ट पहनते हैं तो आप एक वाइट भी अगर रखेंगे तो आई थिंक आपका लाइक बैलेंस हो जाएगा. इट्स मोर देन एनफ. और ग्रे टी शर्ट क्योंकि अगर आप टी शर्ट टाइप हैं, यू नो टी शर्ट गाय टाइप हैं, देन यू कैन जस्ट हैव ग्रे टी शर्ट एंड वाइट टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, वो आप रख सकते हैं. पर शर्ट में आप एक वाइट रखें. और मैं तो कहता हूँ दोनों ले लो, दोनों अच्छे ऑप्शन है. हाँ, राइट. ग्रे इज अ कलर जो कि आप पहन सकते हैं टी शर्ट में, पोलो में, शर्ट में. ये दोनों ऐसी चीज़ें जो अभी मेरे वार्डरोब में हैं, तो देयर इज नॉट एन ऑप्शन. दोनों वो बढ़िया है. इवन वुमेन लाइक आई वुड से साहिल कि मैं अपने मेरे खुद के वार्डरोब में भी टी शर्ट भी है और मेरे में लाइक ड्रेसेस भी हैं विच इज़ ग्रे इन कलर. सो वेदर इट्स फॉर्मल और कैजुअल दोनों में ही रख सकते हैं. On to the next question, which is different casual pants for college men's. Part 1 जाके देखो.
इसी के बारे में बात हुई है पूरी. मैं दोबारा लगा दूंगा ऊपर, यू कैन चेक आउट दिस इंडेक्स कार्ड पार्ट वन में सारा है कि आपको कॉलेज में क्या पहनना चाहिए, आपको कैसे कैसे शर्ट्स होनी चाहिए, आपके पास कैसी पैंट्स होनी चाहिए, कैसा बैग कैरी करना चाहिए, सब कुछ. गो चेक आउट द चैनल, वहाँ पर वीडियो होगी इसका पार्ट वन, वॉच दैट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज बेस्ट आउटफिट्स फॉर डार्क गाइस. अभी डार्क बंदों के बारे में बहुत बात कर दी, आप बता सकती हैं दो तीन आउटफिट्स. सो डार्क के लिए इफ यू वांट टू रेजोनेट, जैसे अगर आप अगेन नेवी ब्लू, डिपेंड करता है कि आपको पहनना क्या है, अगर सूट पहनना है या अगर पोलो टी शर्ट पहननी है. अगर आप, मैं बता देता हूँ, एक कैजुअल आउटफिट, एक फॉर्मल आउटफिट और एक फॉर्मली कह सकता, मतलब समथिंग विच कैन बी यूज्ड इन सेमी फॉर्मल ओकेजन. ठीक है, एक प्रॉपरली ड्रेस्ड अप फॉर्मल वाला, ठीक है, तो ये तीनों लुक करके, हाँ ये तीनों लुक कवर करते हैं. टी शर्ट में आई थिंक यू कैन हैव अ ब्लैक टी शर्ट जो कि बहुत ही वर्सेटल है और आपको ऐसा भी नहीं होगा कि जल्दी गंदी हो जाएगी, राइट. सो यू कैन हैव दैट एंड डार्क में कैन पुल इट ऑफ वेल, आप बहुत अच्छे से आराम से पहनोगे. इनफैक्ट मैं कहूँगी आप ऑल ब्लैक लुक भी अपना क्रिएट कर सकते हैं, नीचे ब्लैक जीन्स. डोंट थिंक कि अगर आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो ब्लैक आपको और डार्क दिखाएगा, हाँ ऐसा नहीं है. डिपेंड करता है कि क्या सेटिंग है, तो आप अपने कई बार बहुत अच्छा लगता है स्टाइल अगर ओवरकोट आप उस पर डाल देते हैं. मुझे अभी तक सब बहुत से मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे हैं इंडियन यूट्यूबर्स की, जैसे कि काले लोगों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए. व्हाट इज दिस? नहीं, दैट इज अ रॉन्ग ओपिनियन कि उनको ऐसा नहीं है कि नहीं पहन सकते, वो पहन सकते हैं, क्यों नहीं पहन सकते. और ऐसा भी नहीं है कि बेकार लगते हैं, दे लुक गुड, दे लुक गुड. तो कैजुअल के लिए अगर आप एक चीज पे एक चीज अगर लेना चाहते हैं तो दिस कैन बी अ ब्लैक टी शर्ट. अगर सेमी फॉर्मल ओकेजन है सो यू कैन गो विद अ पोलो, नेवी ब्लू भी आप ले सकते हैं. इनफैक्ट कई बार देखा होगा कि ऊपर कॉलर कॉन्ट्रास्टिंग होती है, यू कैन गो फॉर दैट, यू कैन गो फॉर दैट. मतलब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो शीज talking about all the basic options. Correct. वो मतलब हर एक complexion पे अच्छे लगते हैं. That is the safest bet you can have. That's right. क्योंकि हमें नहीं पता कि आप कितने dark complexion की बात कर रहे हैं. We can consider, you can consider me dark if I stand next to someone who's even more, yeah, fairer than me. तो we don't know. तो ये तो बड़ा subjective है. But still मैं ये कहूँगा अगर आप basic options पहनते हैं, you won't be looking bad. एक फॉर्मल ऑप्शन बचता है जो कि एक नेवी के लिए, अभी जैसे हमने कहा कि एक नेवी सूट हर किसी के लिए परफेक्ट है, राइट. और अगेन वो अलग-अलग कॉम्बिनेशंस में आप क्रिएट कर सकते हैं. बेस्ट वुड बी कंबाइनिंग इट विद अ वाइट शर्ट. अगेन आपको ध्यान रखना है कि आपका अंडरटोन कैसा है, स्किन टोन कैसा है, ताकि आप बहुत ज्यादा ब्राइट वाइट ना पहने, थोड़ा सा उसको मे बी अ क्रीमिश वुड सूट बेटर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज Which is the common shoes that we can manage with every outfit? White sneakers. White sneakers, I agree. White sneakers are the best. मैं ये भी नहीं कहूँगा कि white sneakers हर जगह चलेंगे. It depends on your wardrobe. It depends on the setting जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं. Right. अगर आपकी आपका जो lifestyle है that is casual, तो yes, white sneakers आप almost हर जगह पहन सकते हो. But if you are someone जो कि office जाता है या फिर let's say हफ्ते में दो तीन जगह फॉर्मल सेटिंग्स में जाता है, तो वो वाइट स्नीकर्स पुल ऑफ नहीं कर सकता. लेकिन आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है वो है कि विच इज़ द कॉमन शू डेट वी कैन मैनेज विथ एवरी आउटफिट. एक जूते के बारे में बात हो रही है, तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि मिनिमम दो तो होनी चाहिए. मिनिमम दो होनी चाहिए. एक आपके पास मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि एक ऑक्सफर्ड होना ज़रूरी है जिसमें लेसेस होते हैं, आप पिक्चर में भी देखेंगे. सो एक ऑक्सफर्ड होना ज़रूरी है ताकि आपके पास फॉर्मल सेटिंग्स के लिए, फॉर्मल ओकेजन्स के लिए वो हो. एक आप स्नीकर्स रख सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैजुअल्स और इसके साथ आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं घूमने, दे कैन बी अ थर्ड पेयर एज वेल जो कि आपका लोफर हो सकता है, राइट. लोफर ऐड कर सकते हो आप. करेक्ट, तीन शूज इनफ है किसी भी एक बंदे के वार्डरोब में. वो आपके मतलब हर एक ओकेजन की आराम से आपका काम चल जाएगा उसमें. करेक्ट. Moving on to the next one, which is question is how to continue our hobbies with responsibilities. Okay. Sahil, I think you would like to answer that because he is inspired by you. He says
एंड वी'd लाइक टू नो व्हाट यू डू थैंक्स अ लॉट इंस्पायर्ड बाय यू ब्रदर जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर्ड रखते हैं क्वेश्चन इज हाउ टू कंटिन्यू आवर हॉबीज विद रिस्पांसिबिलिटीज तो देखो सबसे पहली चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती अगर मैंने अपना YouTube चैनल भी स्टार्ट किया या फिर मैं कुछ भी कर रहा हूँ अपनी लाइफ में एक पीछे सर्वाइवल फैक्टर रहता है कि उसके लिए ज़िंदा भी रहना पड़ेगा तो पहले तुम उसका जुगाड़ करो कि तुम्हें ज़िंदा कैसे रहना है उसके हिसाब से क्या चाहिए तुम्हें पैसा लेट्स से आपके सर्वाइवल के लिए आपको कितने पैसे चाहिए एक महीने में तो पहले ये श्योर करो कि वो सर्वाइवल कहाँ से आएगा देन ऑब्वियसली आप उस मतलब दोनों चीज़ों को फिर आप साथ साथ लेके चल सकते हो अगर मैं अपना बताऊं तो जैसे ही मेरी 12th हुई थी आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू स्टार्ट अ चैनल एंड वो भी मैं जॉब इसलिए करना चाहता था बिकॉज आई वांटेड टू क्रिएट अ सेटअप एंड ऑल कैमरा लेना चाहता था तो उसके बाद भी व्हेन आई स्टार्टेड अ चैनल मैं तब भी जॉब कर रहा था जस्ट बिकॉज फॉर माई सर्वाइवल क्योंकि आई डिडंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स और इसकी वजह से ये रीज़न था कि मैंने एक जॉब ली थी स्टिल आई एम वर्किंग बट स्टिल आई एम मैनेजिंग इट विद माई यूट्यूब चैनल अलॉन्ग साइड माई जॉब मेरे साथ भी सिमिलरली रहा है साहिल एंड मैंने भी काफ़ी जल्दी अपना जॉब स्टार्ट कर लिया था आई हैडन कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन और मैं उस टाइम से स्कोर तो मैंने भी उसी टाइम से अपना बिना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए उससे पहले ही मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था और फिर मैंने धीरे धीरे करके अपना यू नो आई देन जॉइंड अ बिगर कंपनी और फिर मैंने ग्रो किया फिर ऑफ कोर्स लाइक इवेंचुअली आई बिकेम एन इमेज कंसल्टेंट लेकिन मेन ये है इफ़ यू रियली वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल और आप अपने डेडिकेशन अगर आपके अंदर है तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं कि ज़्यादातर सारे ट्रस्ट मी ऑन दिस मैंने कई लोगों से सुना है कि वो कोई चीज़ करना चाहते हैं बट थोड़ा सा अगर फेलियर मिलता है तो फिर वो पीछे हट जाते हैं फेलियर इज नॉट मतलब फेलियर आपको हर एक चीज़ में मिलेगा बट क्योंकि जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा था ना तो मेरे अंदर एक ये माइंड सेट था सी आई एम गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ हेट आई एम गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ अब्यूजेस शायद मेरी वीडियोस चली भी ना बट ये तो एक्सपेक्टेड है करते हैं देखते हैं क्या होता है एंड स्टिल आई एम डूइंग इट अभी भी मुझे हेट्स आती है अभी भी मुझे अब्यूजेस आती है बट आई एम स्टिल डूइंग इट क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ जो कि प्रेज एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ के लिए मुझे तारीफें मिलेंगी जब मुझे कोई एक हेट कमेंट मिलता है लाइक वो फाइनली आ गया चलो मतलब नेगेटिव क्रिटिसिज्म की तरह उसको यू एक्सेप्ट एंड प्लस वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन द पॉजिटिव्स कि हाँ हमें लाइक्स कितने मिले और इसी बात पे अभी के अभी आप एक लाइक इस वीडियो पे कर दो ताकि यू नो सो दैट इट कीप्स अस मोटिवेटेड एब्सोल्युटली एंड यू आल्सो फील गुड अबाउट इट बिकॉज अल्टीमेटली हम सब एक दूसरे को जब सपोर्ट करते हैं तो वी फील गुड अबाउट डजंट कॉस्ट एनीथिंग आई गेस अच्छी अगर आपने अभी किसी चीज़ की डेडिकेशन की बात की दिस इज समथिंग इसको हम ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर कहते हैं मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो बहुत ही रियलिस्टिक रहता है मुझे पता है कि चलो ये तो करना ही करना है लेकिन इसको सस्टेन कैसे करना है तो उसके लिए मैंने ये कहा था यू हैव टू लर्न हाउ टू सर्वाइव उसके लिए यू विल बी नीडिंग अ जॉब और यू विल बी नीडिंग अ बैकअप कि आपके हर महीने आपके पास एक पैसा है कि आपका रोटी कपड़ा मकान वाली जो ये तीन चीज़ें फुलफिल हो रही हैं और तब आप किसी और चीज़ पे मूव कर सकते हो तो पहले ये तीनों चीज़ें कवर करो फिर आप अपनी हॉबीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ चला सकते हो और किसी भी चीज़ को करने के लिए डेडिकेशन होना ज़रूरी है डेडिकेशन करना है मतलब ये ना हो कि अरे फेलियर मिला तो फिर पीछे हटे डेडिकेटेड रहना जरूरी है क्योंकि ये हॉबीज में पता है क्या होता है यू आर नॉट अकाउंटेबल टू समवन एक जॉब होती है आपके ऊपर एक बंदा होता है काम निकल जाता है बट हॉबीज क्या है हम अकेले में थोड़ा थोड़ा खुद करते हैं तो ऐसा होता है कि आज कर लिया कल नहीं कर लिया बिकॉज यू आर नॉट अकाउंटेबल टू समवन तो इस चीज़ में वहाँ वो डिसिप्लिन होना चाहिए वहाँ वो डेडिकेशन होनी चाहिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ मैं भी ऐसा बंदा हूँ जो बहुत काम छोड़े मेरी वीडियोस कितनी आती है दो तीन हफ्तों में एक बार मेरी वीडियोस आती है मैं तो ये चीज़ धीरे धीरे आती है अगर आप अपने
हॉबीज को भी कर रहे हैं तो आप उसको एक अपने जॉब की तरह उसको जॉब की तरह उसको सीरियसली आप फोकस रहो उस पर. सी अगर आप खुद अपना काम सीरियस नहीं लोगे तो कोई दूसरा बंदा बिल्कुल नहीं लेगा. सच्ची क्या करना है चाहत के? Okay, now fashion tips for big guys. Passing this to you. Okay, so big guys, whether they are big guys या वो skinny guys, कोई भी हो, fit सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. Fit अगर आपके रहेंगे तो मतलब fit in the sense of course like this way fit as well and clothes की fitting भी दोनों तरीके से. तो सबसे पहले तो आपको अपने fitness पे ध्यान देना है ताकि आप उसको you know अपनी body well maintained रखो. And second I like to add irrespective कि आप skinny हो, मस्कुलर हो, आप एक बिग गाय हो, करेक्ट. वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है मतलब कि आप चाहे वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप एक घंटे कहीं और फिजिकली एक्टिव हो, इट इज़ एसेंशियल, आपको बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि एट द एंड योर बॉडी इज़ योर फ्रेम जिस पर कपड़ा बैठेगा और वो तभी अच्छा लगेगा. जितनी अच्छी आपकी बॉडी होगी उतना अच्छा आपका कपड़ा लगेगा. करेक्ट. और माना अगर माना आपको कोई ऐसे मेडिकल इश्यूज हैं कि आप उतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते हैं एंड यू कैन नॉट लूज वेट, तब उस केस में आप जो भी अपने टेलर से स्टिच करवा रहे हैं, ज़्यादातर केस में मैं कहूँगी आप अपने कपड़े ले जाके टेलर से या तो स्टिच करवाओ या फिर अगर आप रेडीमेड खरीद रहे हो तो उसकी एटलीस्ट ऑल्ट्रेशन करवा के उसको अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग इंडिया में टेलरिंग बहुत चीप है, फायदा उठाओ उसका. राइट. अदरवाइज बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक और टिप है, अगर आप ऐसे पर्सन हैं इफ यू आर बल्की और आपकी ट्राउजर्स नीचे खिसकने लगती हैं दैट इन दैट केस यू कैन यूज सस्पेंडर. सस्पेंडर इंडिया में बहुत कम यूज होते हैं बट इफ यू सो बट देन यू नो सस्पेंडर्स आर अवेलेबल ऑन Amazon. नाइस ऑप्शन. करेक्ट. दे आर अ वंडरफुल ऑप्शन एंड यू कैन गो फॉर दैट. आप जब भी सूट पहन रहे हैं तो आप सस्पेंडर्स अंदर पहन सकते हो, आपके ट्राउजर्स में फिट हो जाते हैं और आप उसके ऊपर से अपना जैकेट डाल सकते हैं, फॉर्मल जैकेट यू कैन वेयर ऑन टॉप ऑफ दैट और वो आपके ट्राउजर्स नीचे खिसके की नहीं, क्योंकि होता क्या जब वो खिसकने लगते हैं तो फिर शर्ट बाहर आने लगती है एंड देन यू लुक वेरी क्लम्सी और बहुत अजीब सा लगने लगता है. तो सस्पेंडर्स आर अ मस्ट फॉर यू इफ यू वेयरिंग अ सूट. यस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन और दिस वाज द लास्ट. लैपटॉप फिर बंद हो गया. फैशन टिप्स फॉर बिग गाइस. दिस वाज द लास्ट. This was all for Q&A's video. Also make sure you watch the part one which we did earlier, which was about college fashion. Dressing, fashion tips for men in their 20s. That's also right. Make sure you check out Shubha's channel. She talks about style, behavior and confidence. If you want to learn a thing or two from her. And this was all for today's video. That's right. If you liked it. Yeah, but then if you have liked it, if you found it helpful, make sure you give a thumbs up. Yeah. Yes. Do give a thumbs also up. Also let us know if you want us to come back again. Yeah. And you want us to help you with your style, behavior, yeah. So this was all for today's video. Mera signature. Say it. Stay tuned. See you soon. Bye. Done.